हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नेहा चंद्राकर फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। टुडे आवर टॉपिक इज रीमैन इंटीग्रल। ये हमारा सेकंड पार्ट है रीमैन इंटीग्रल का। लास्ट में हमने रीमैन इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन देखा था और इसके बाद हमने जो है इसके एक एग्जांपल्स में हमने जो है रीमैन इंटीग्रल अप्लाई करते हुए उसका जो है हमने सॉल्व किया हुआ था। आज हम जो है एक और एग्जाम्पल लेंगे और उसका हम जो है रीमैन इंटीग्रल के थ्रू से इसका जो है हमारा जो फंक्शन रहेगा उसको हम रीमैन इंटीग्रल शो करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारा है, एक फंक्शन f अंतराल 0, 1/2 में निम्नानुसार परिभाषित है, जहाँ पे फंक्शन दे दिया गया है f ऑफ x और यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से है। तो आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। ये जो फंक्शन f है वह इंटरवल 0 और 1/2 में है और इस फंक्शन की वैल्यू दे दी गई है। फर्स्ट ये है कि जब एक्स जो है यहाँ पे जब क्या हो परिमेय हो रैशनल नंबर हो तो उसकी वैल्यू होगी एक्स, और जब इरैशनल नंबर हो दैट मीन्स वो अपरिमेय हो तो उसकी वैल्यू है यहाँ पे 1 - x। अब हमें यहाँ पे बोला गया, नेक्स्ट आगे बोला गया इसमें दिखाइए कि इंटीग्रल 0, 1/2 एफ डी एक्स इज इक्वल्स टू 3/8, यानी कि जो फंक्शन की इंटीग्रल वैल्यू है वो आएगी आपकी 3/8। यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं ध्यान से जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है लिमिट जो है इसका 0 से 1/2, ये अपर रीमैन, यहाँ पे लोअर रीमैन इंटीग्रल है 0 बार टू 1/2 एफ इज इक्वल टू 1/8। अतः जो एफ है वो जो फंक्शन एफ है वो क्या है, रीमैन इंटीग्रल नहीं है, ये हमें शो करना है। जैसा कि हम देखे थे लास्ट क्लासेस में कि अपर रीमैन एंड लोअर रीमैन, जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रल जो है यहाँ पे इंटरवल जो चेंज है ए टू बी लेते हैं अगर, तो हम देखते थे कि ए बार टू बी, तो यहाँ पे जो है ये तीनों कंडीशन जो है बीच वाला यानी कि सिंपल एफ ए टू बी, अगर ये तीनों कंडीशन इक्वल हो है ना, तीनों इंटीग्रल अपर एंड लोअर और सिंपल वाला, तब जा कर के क्या होता है वो फंक्शन जो एफ होता है वो एक रीमैन इंटीग्रेबल होता है। यहाँ इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो फंक्शन दिया गया है और एक्स का कंडीशन है कि जब एक्स जो है रैशनल नंबर हो एक्स इरैशनल नंबर हो तब के लिए उसकी वैल्यू भी दे दी गई है, उस पर हमें इस फंक्शन का इंटरवल 0 से 1/2 पर हमें इसकी वैल्यू दिखानी है। साथ ही साथ हमें ये भी दिखाना है कि फंक्शन जो है वो रीमैन इंटीग्रेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमको जो है अपर रीमैन सम्स और लोअर रीमैन सम्स ये दोनों निकालना पड़ेगा। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में है कि हम देखते हैं कि जो इंटरवल है 0 close interval 0 1/2 में एक्स इज लेस देन 1 - x है ना, तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं रीमैन के लिए एक उसका पार्टीशन लेते हैं। तो यहाँ पे जो है पार्टीशन जो है हम पी ले रहे हैं और p इज इक्वल्स टू हम ले रहे हैं 0 से, यहाँ पे जो हमारा पार्टीशन रहेगा वो n इक्वल टर्म्स में इसको डिवाइड करना है। अब 0 to 1/2 है तो हमें लाना कितना है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ से देखिएगा इसी बस को आपको ध्यान देना है कि आपका जो स्टार्टिंग जो पार्टीशन रहेगा उस पर जो है कैसे हम उसको डिवाइड करेंगे, जो जिसका समय इंटरवल है ना उसको हम क्या लेंगे। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे। अब आप देखेंगे कि ये n जो है इक्वल पार्ट्स में लेना है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको जो है n डिवाइडेड बाई n लेना है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये 0 हो गया, 1/2 हो गया, तो हमने जो है n मल्टीप्लाई किया और n जो है यहाँ पे डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, n डिवाइडेड बाई 2n। अब हमको क्या करना है, जो ऊपर का n रहता है उसमें हम जो है जितने भी नेचुरल नंबर से वो पुट करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो है n इज इक्वल टू, जब 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा। सेकेंड टाइम अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1/2n, फिर 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/2n, 3/3n, 3/ यहाँ पे 2n होगा। तो यहाँ पे जो है ये आगे जो आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे, तो ये वैल्यूज जो हमको दिखती जा रही है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे मिस्टेक है, आप उसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 2n आएगा। तो यहाँ पे जो है ये सीरीज जाते जा रहा है और इस बीच में जो है आप जैसे कि यहाँ पे देखेंगे है ना, बीच में हमको जो है r टर्म्स अगर लेना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r का हो जाएगा r बाई 2n और r के पहले वाला स्टेप क्या हो जाएगा, r - 1 / 2n।
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सब इंटरवल हो जाएगा, जिसको हम आई आर से डिनोट करते हैं। तो आई आर हमारा सब इंटरवल है, और आई आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर माइनस वन अपॉन टू एन एंड आर अपॉन टू एन। ये जो आर जो हम लेंगे है ना, आर टर्म तक हम लेंगे, वही हमारा सब इंटरवल होगा। अब इस पर हमें जो है कैपिटल एम आर और हमारा जो स्मॉल एम आर है, यानी कि जो हमारा जो है लोअर इनफिमम और सुप्रीमम वैल्यू, हमको लेकर के आने हैं फंक्शन एफ के डेफिनेशन। जैसे कि हमको पता है कैपिटल एम आर के लिए फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। तो आपके पास फंक्शन जैसे कि क्वेश्चन पे दे दिया गया है वो है एक्स और वन माइनस एक्स। अब क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से और रीड करिए। अब एक काम करते हैं, ये चले जाते हैं। इसमें दो कंडीशन दी गई है जब रैशनल और इरैशनल की बात कर रहा है। तो एक्स से छोटा होगा वन माइनस, यहाँ पर दिख रहा है ना, रैशनल और इरैशनल में एक्स और वन माइनस एक्स है। तो यहाँ पर जो लोअर वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में मैं जो है यहाँ पे इंटरवल में एक से लेस देन वन माइनस एक से है, तो यहाँ पे जो है स्मॉल एम आर है ना, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखते हैं सिंपल एक्स हो जाएगा, और उसके लिए क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स। मैं ये चीज़ बताना चाह रही हूँ, एम के लिए जो फंक्शन, स्मॉल एम के लिए फंक्शन जो है वो होगा हमारा वन, सॉरी एक्स होगा, वन मिनट, स्मॉल एम के लिए वैल्यू होगा सिंपल एक्स होगा, और कैपिटल एम के लिए वैल्यू होगा यहाँ पे वन माइनस एक्स। अब हमें उस फंक्शन पर जो है क्या निकालना है, इनफिमम और मिनिमम, इनफिमम और क्या निकालना है, सुप्रीमम वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे उस फंक्शन पर जो वैल्यू है वो ले रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू जो है ये है एक्स है और वन माइनस एक्स है। अब हमें क्या करना है, इस इंटरवल सब इंटरवल के साथ में लेना है। तो यहाँ पर है जो है एक्स ना होकर के वो क्या हो जाएगा, आर में हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर बात करते हैं कैपिटल एम आर, तो कैपिटल एम आर में हमने अभी हमने देखा वो क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल एम आर में हमारा जो है यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल की, क्योंकि ज़्यादा वाली वैल्यू ये है, तो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। अब इस आर बाय टू एन को उस फंक्शन में रखेंगे, तो आर बाय टू एन को हम फंक्शन में रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स आर माइनस वन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा वन माइनस एक्स आर माइनस वन अपॉन टू एन। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक लग रहा है, एक ना यहाँ पे आर बाई टू एन मिलेगा, और यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा वन माइनस आर बाई टू एन। तो ये मिल गया आपको वन माइनस आर बाई टू एन, ये हमारा जो है क्या होगा कैपिटल एम आर होगा। स्मॉल एम आर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल एक्स आर माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि एक्स इज लेस देन था एक्स आर माइनस, सॉरी वन माइनस एक्स, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे स्मॉल एम आर जो है हमारा मिल गया है एक्स आर माइनस वन। अब इसे हम फंक्शन पर रखेंगे उस इंटरवल के साथ में, तो इस इंटरवल पर जो लोअर वैल्यू है वो कौन सी है, आर माइनस वन बाई टू एन। तो यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस वन बाई टू एन, तो ये दोनों वैल्यू हमें मिल गया है। अब यहाँ पे देखना हमको ये है टेलर निकालना, तो टेलर के लिए जो इंटरवल होता है उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो ये हमारा क्या है, इंटरवल है, सब इंटरवल है, तो इसका डिफरेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपर एंड माइनस लोअर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर अपॉन टू एन माइनस आर माइनस वन बाई टू एन, तो ये वैल्यू आ गई है वन बाई टू एन। नेक्स्ट पे हमें क्या निकालना रहता है, क्योंकि हमें लोअर रीमन सम्स और जो है जो लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल निकालना है, तो उसके लिए एल पी एफ और यू पी एफ, अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमें निकालना पड़ेगा उस पार्टीशन पर, उस फंक्शन की वैल्यूज है ना, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू। तो यहाँ पे एल पी एफ देख रहे हैं, तो एल पी एफ इसका मतलब है उस फंक्शन का उस पार्टीशन पी पर लोअर वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है समेशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू वन टू एन स्मॉल एम आर टेल आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू ये वन टू एन होगा। अब यहाँ पे एम आर की वैल्यू जैसे कि हमने निकाला है आर माइनस वन बाई टू एन, और टेल आर की वैल्यू है वन बाई टू एन, ये वैल्यू हमने रख दी है। यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट हैं हम उसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा टू एन और टू एन फोर एन स्क्वायर हो गया, और अंदर जितने भी बचे हुए हैं उसको क्या लिखेंगे यहाँ पे आर माइनस वन इंटू एन इंटू वन, यानी कि आर माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे आर इज इक्वल टू कहाँ से आ रहे हैं, वन से एन तक जा रहा है, तो उसकी वैल्यू रखते हैं। तो वन रखेंगे तो ज़ीरो आएगा, और टू रखेंगे तो वन आएगा, थ्री रखेंगे टू आएगा। तो कहाँ से शुरुआत हो रहा है, वन से शुरुआत हो रहा है ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये जीरो वन टू थ्री फोर अप टू। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से है ना, आर माइनस वन है तो यहाँ पे एन रखते हैं, अगर आर इज इक्वल्स टू एन रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर माइनस एन माइनस वन, तो यहाँ पे हो गया एन माइनस वन। अब
है ना, यहाँ पे जब देख रहे हैं वन अपॉन फोर बाई एन स्क्वायर वन प्लस टू अप टू क्या है एन माइनस वन है, तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि एन पदों का योगफल। उसके लिए क्या होता है, हमें पता है एन इंटू वन मिनट, उसके लिए फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो यहाँ पे भी वही वैल्यू रखेंगे हम, एन के जगह में ध्यान रखना हमें हमारे पास क्या है एन माइनस वन है। तो यहाँ पे देखते हैं वन बाई फोर एन फोर एन स्क्वायर जो है कॉमन है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जो टर्म है वो एन माइनस वन के लिए है, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू में एन के जगह में एन माइनस वन रख देते हैं, तो ये हो गया एन माइनस वन प्लस वन डिवाइड बाई टू। यहाँ पर से माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, क्या है ये एन बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है ये यही वैल्यू है एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। और यहाँ पे जब हम इसका जो है यहाँ पे देखेंगे है ना, ये ऊपर का हमारे पास एन जो बचा हुआ है वो और यहाँ पे नीचे में फोर एन स्क्वायर वो यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आई है हमारे पास एन माइनस वन अपॉन एन और यहाँ पे फोर इंटू टू हो गया आपका एट। तो फर्स्ट इक्वेशन एल पी एफ निकल गया है, अब हम सेकंड क्या निकालेंगे उस कंसर्न का, उस पार्टीशन पी पर है ना अपर वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे समीशन ऑफ आर इज इक्वल टू वन टू एन कैपिटल एम आर होगा, यहाँ पे अपर वैल्यू निकाल रहे हैं तो इंटू डेल आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वन टू एन समीशन में यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू कैपिटल एम आर की वैल्यू जैसे हमें पता है वो है वन माइनस यहाँ पे है आर बाई टू। यहाँ पे देख लेते हैं ना आर माइनस वन था कि आर था, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक था, तो कैपिटल एम आर की वैल्यू आई थी आर बाई यहाँ पे है ना वन माइनस आर बाई टू एन ये वैल्यू थी। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं वन माइनस आर बाई टू एन इंटू ये हो जाएगा वन बाई टू एन। अब हमें क्या करना है यहाँ पर से इसको जब सॉल्व करोगे आप तो इसमें वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आपको बाहर निकालना है, और यहाँ पे उसको एन की आर की वैल्यू को वन से लेकर के एन तक पुट करना है। ये वैल्यूज मिलने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका जो एन टर्म्स का सम ऑफ एन टर्म्स वो वैल्यू जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, उसी के बेस पर ही जो रीमन इंटीग्रल है वो सॉल्व होगा। तो उसके जितने भी फॉर्मूला है आप उसको याद रख लिए, सम ऑफ स्क्वायर वैल्यू, सम ऑफ क्यूब वैल्यूज, सम ऑफ यहाँ पे है सिंपल वैल्यूज नेचुरल नंबर्स के लिए, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर है तो यहाँ पे जो है वैल्यूज आई है वन बाई टू माइनस एन माइनस वन डिवाइड बाई एट है, और ये वैल्यू जो है यू पी एफ की वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, जो लोअर रीमन इंटीग्रल है वो है जीरो बार टू वन बाई टू एफ इज इक्व टू जीरो बार टू वन बाई एफ डी एक्स इज इक्व टू है यहाँ पे है ना रीमैन में आपको लोअर रीमैन रख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है जो लोअर वाला इंटीग्रल रहेगा वैल्यू रहेगी उस पर हमें बार लिखना है यहाँ पे जीरो बार टू वन बाई टू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, ये इसकी वैल्यू होती है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव एल पी एफ, लोअर के लिए एल पी एफ लेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव पर, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव यहाँ पे एल पी एफ की वैल्यू हमने निकाला हुआ था एन माइनस वन डिवाइड बाई एट एन। तो यहाँ पे जो है एन हम कॉमन ले लेंगे है ना, तो एन जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा वन अपॉन वन माइनस एन डिवाइडेड बाई एट एन, एट यहाँ पर एन और एन कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट जब हम पुट करेंगे एन टेंस टू इन्फिनेटिव पे तो ये हो जाएगा वन माइनस वन बाई एन वन बाई यहाँ पे क्या मिलेगा आपको जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो डिवाइडेड बाई यहाँ पे एट, तो ये कितना आएगा वन बाई एट आ गया। तो वन बाई एट हमें मिल गया है, ये जो है लोअर रीमैन के लिए है। वैसे ही अपर रीमैन इंटीग्रल की बात करें तो यहाँ पे जो अपर वाले में क्या करना है, जो अपर लिमिट रहेगा उस पर हम बार ले लेंगे, तो यहाँ पे जीरो टू वन बाई टू का बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव, और अपर के लिए तो ये यू पी एफ पर है ना लिमिट ले लेंगे एन टेंस टू इन्फिनेटिव। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटिव यहाँ पे अपर की वैल्यू आई थी यू पी एफ की वन बाई टू माइनस एन माइनस वन बाई एट, और यहाँ पे जो है एन टेंस टू इन्फिनेटिव जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू आई है यहाँ पे वन बाई टू माइनस वन बाई एट इज इक्वल्स टू थ्री बाई एट। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि हमने जो लोअर रीमैन इंटीग्रल यानी कि जीरो बार वन बाई टू एफ की वैल्यू थी वन बाई एट, और यहाँ पे देख रहे हैं अपर वाले के लिए इसकी वैल्यू आई है थ्री बाई एट। तो ये दोनों जो है इक्वल नहीं हुए क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है,
और कंडीशन ये बोला जाता है कि जो है रीमैन किसी भी फंक्शन को रीमैन इंटीग्रल होने के लिए उसका जो लोअर इंटीग्रल है और अपर इंटीग्रल है ना, वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन एफ है वो एक रीमैन इंटीग्रेबल नहीं है। तो इसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चन को केयरफुल रीड करना है, फंक्शन को ध्यान देना है और आपका जो है पार्टीशन क्या होगा वो आपको मेनली देखना है। उसके बाद पार्टीशन करने के बाद ही आपका जो है सब इंटरवल बनेगा और उसी के बेस पे आप उसकी वैल्यू को जो है फंक्शन पर रखते जाएंगे तो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर भी मिल जाएगा। स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर मिलने पर एल पी एफ यू पी एफ की वैल्यू आएगी और वो प्राप्त हो जाने के बाद आपको क्या करना है, लोअर रीमैन और अपर रीमैन इंटीग्रल मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आपको जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, है ना। नेक्स्ट पे हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे इसके और भी क्वेश्चन देखेंगे, आप उसका असाइनमेंट वर्क करिए और इसके बाद आप जो है इसको बनाते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा ही कि आपको कैसे कैसे करते जाना है। थैंक यू स्टूडेंट।